वाईदू न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। लॉ एजेंट्स की हम बात कर रहे हैं, उन जमीर फरोशों की बात कर रहे हैं जो अपना जमीर बेच देते हैं चंद पैसों के खातिर, रुपयों के खातिर, इस वतन अजीज की खुफिया मालूमात पहुंचाने के लिए दुश्मन मुल्क को। मैं आपसे शुएब ये जानना चाह रही हूँ कि इससे पहले भी, अभी मैं कुछ डेटा भी देख रही हूँ, इससे पहले भी हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिन्हें कराची पुलिस ने इसी तरह के इल्जाम में पकड़ा, सीटीडी ने भी कार्रवाइयाँ की, एफआईए ने भी कार्रवाइयाँ की, मगर जब अदालत में पेश किया जाता है तो वो तो बरी हो जाते हैं। क्या प्रोसिक्यूशन की सुस्ती यहाँ पर दिखाई देती है या फिर ऐसे ही किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, होता क्या है ये? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैंने खुद कितनी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर की हैं जिसमें सीटीडी के अफसरान बुलंदोबांग दावे करते हैं कि हमने रॉ का बहुत बड़ा एजेंट पकड़ लिया है और ये जो है स्लीपर सेल चलाता था, और गिरफ्तारी या तो सिंध से जाहिर की जाती है, कराची से या ठट्टा से, कहीं से भी तो बताया जाता है। लेकिन जब वो अदालतों में पेश होते हैं तो उनको दूसरे मुकदमात में पेश करते हैं, यानी उनसे असलाह बरामद करने का मुकदमा होता है और फिर वो बरी हो जाते हैं। पिछले दिनों भी हमने एक ऐसा केस कवर किया था जब सीटीडी सिविल लाइन के एसएसपी नवीद ख्वाजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि हमने रॉ का एजेंट पकड़ लिया है, अदालत ने जब केस चला, जब अदालत में गए, चलान में जान नहीं होती, इस वजह से लोग फ़ायदा उठाते हैं मुलजमान और वो बरी हो जाते हैं। और बल्कि उस केस में तो ये हुआ था कि अदालत ने उनको किराया भी दिया था कि इनको ठट्टा जाने के पैसे दिए जाएँ ताकि ये जाएँ आप किन बेगुनाहों को पकड़ के ले आए हैं। अब ये जो आज भी दावा सामने आया है, कहते ये हैं कि हमने रॉ के स्लीपर सेल्स के हेड्स को पकड़ लिया है, उनके इंकशाफात पर हम ये काम कर रहे हैं। अब देखें, अब ये जो एक चेन चली आ रही है, आज 16 मई को एक कार्रवाई हुई, 9 मई को कार्रवाई हुई, 30 अप्रैल को कार्रवाई हुई, 20 अप्रैल को कार्रवाई हुई, 25 मार्च को कार्रवाई हुई, इसका मतलब वफाकी हसास इदारे, इंटेलिजेंस एजेंसीज इस नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, एफआईए इस पे काम कर रही है, जो हमारी सुराग रसा एजेंसीज हैं वो मुसलसल अपनी कोशिशें कर रही हैं, वो लोगों को पकड़ती हैं, सब कुछ है। तो फिर ये निग्लिजेंस किस तरफ से आता है? अगर हमें, हम देख रहे हैं कि पुलिस से भी लोग निकल रहे हैं, कराची यूनिवर्सिटी का एक केस यहाँ पर मेरे पास मौजूद है 20 अप्रैल का, तो क्या ये पुश्त पनाही या इनको बचाने की कोशिश अगर पुलिस की तरफ से है तो क्या पेटी भाइयों की तरफ से कोशिश की जा रही होती है? अगर कहीं हमें सर्वेलेंस यूनिट का कोई बंदा मिल गया तो वहाँ से कोशिश की जा रही होती है, ये निग्लिजेंस होती कहाँ से? बिल्कुल, देखिए निग्लिजेंस जो है, जैसे 20 अप्रैल की आपने बात करी, कराची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट में उनका ये कहना है कि वो डिपार्टमेंट था और उसमें उन्होंने अपना असलाह वगैरह भी रखा हुआ था और वहाँ पे छापा मारा और वो हमने बरामद किया, उसकी तस्वीर भी आप अपने प्रोग्राम में दिखा सकती हैं जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके साथ साथ जो JIT बनाई गई, जो मुकदमा दर्ज किया गया, उस तमाम की कॉपीज इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, तमाम चीज़ों में यही है। लेकिन हम देखते हैं कि कार्रवाइयाँ ज़रूर होती हैं, ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ होती हैं, दुश्मन ममालिक से जो पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबाबंदी होती है उसको नाकाम बनाने के लिए इकदाम किए जाते हैं। लेकिन ये मुलजमान, असल सवाल ये है कि इनको फिर कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुँचाया जाता, ये सज़ा के हक तक क्यों नहीं पहुँचते, ये बच कैसे जाते हैं? और इनका नेटवर्क दिन ब दिन जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फैलता जा रहा है। कराची के ओल्ड सिटी एरियाज़ में बहुत बताया जाता है कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कि वहाँ इनके बहुत ज़्यादा स्लीपर सेल्स कायम हैं, जो पुराने कराची के आबादी वाले इलाके हैं। अभी भी देखेंगे जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें बताया जाता है कि ये MQM लंदन से रबते में थे और उनके लोगों के साथ फैसिलिटेशन थे, बल्कि FIA का तो ये भी दावा है कि ये टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलव्वस हैं। उनका ये भी कहना है कि जब इनसे JIT होगी तो मजीद चीज़ें भी सामने आएंगी, मजीद इंकशाफात भी सामने आएंगे। उनका ये भी कहना है कि ये डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस और जो दीगर चीज़ें हैं इसमें भी यही नेटवर्क इन्वॉल्व है और यही ग्रो कामयाब का काम करता है। अब देखें, ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, FIA भी कर रही है, काउंटर टेररिस्ट विंग भी कर रहा है, हसास इदारे भी कर रहे हैं, अब देखते हैं आगे ये ऊँट किस करवट बैठता है। मेरा कंसर्न जो है ना, जो मैं बहुत ज़्यादा जिस चीज़ पर सोच रही हूँ वो ये, जिसके बारे में आपने बताया पुलिस के आला ओहदे पर फाइज रहा, जी 2008 में एक ट्रेनिंग के लिए भी चला गया, ये गद्दारे वतन कैसे आला ओहदों तक कैसे पहुँच जाते हैं? आप देखें, एक स्पेशल ब्रांच का पुलिस एहलकार किसी भी गवर्नमेंट अफसर को बाहर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, ये उसी डिपार्टमेंट का मुलाजिम था, स्पेशल ब्रांच। इनफैक्ट आप हजूरा के लिए जाएं तो आपको NOC चाहिए, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता, अभी आप कहीं ट्रेवल करना चाहेंगे आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए और वो पुलिस ही देती है। तो उसी का बंदा 2008 में भारत कैसे चला गया, इंडिया कैसे चला गया, वहां जाके उसने किस तरह से ट्रेनिंग ले ली, अगर वो 1991 से सिंध पुलिस में भर्ती है। और मजे की बात ये देखें कि ये जिस तरह से पकड़े जा रहे हैं तो ये कोई अकेले तो नहीं होते होंगे, इनके फैसिलिटर्स होते होंगे, इनकी पूरी टीम है जो इनको चलाती है, एक अकेला आदमी तो स्लीपर सेल नहीं चला सकता। अब इसके पूरे नेटवर्क को बेनकाब करना, उनको पूरे को खत्म करना, ये भी एक मुश्किल काम है, लेकिन कानून नाफिज करने वाले
ادارے جو ہیں اس جانب کام کر رہے ہیں لیکن بتایا جاتا ہے کہ جو محمود صدیقی کا جو نیٹ ورک ہے اس کے لیے یہ سب کام کرتے تھے وہیں کے پہلے ایک بندہ پکڑا گیا اسی سے یہ چین کو فالو کر رہے ہیں سیاسی جماعت سے کوئی لنک مل رہا ہے کسی کا جی ایف آئی اے تو یہی کہتی ہے کہ یہ ایم کیو ایم لندن جو ہے ان سے ان کا لنک ہے لیکن اب اس میں کیا حقیقت ہے کیا نہیں کیونکہ ایف آئی اے کا یہ دعویٰ ہے کاؤنٹر ٹیررسٹ ونگ جو اس پہ کام کر رہا ہے کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے 6 ریفرنس اسٹوریز رکھی جو کہ پچھلے پہلی اسٹوری 25 مارچ اس کے بعد 20 اپریل اس کے بعد یہ تو مختلف 6 کاروائیاں ہیں اور ابھی بھی یہ نیٹ ورک جو ہے کام کر رہا ہے یعنی جو ہمارے ان سے تفتیش کار ادارے ہیں ہم جب ان کے پاس بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی بھی شہر میں ایکٹیو ہیں اور الارمنگ سچویشن ہے لیکن ایف آئی اے کام کر رہی ہے اس پر ان کو روکنے کے لیے ان غدار وطن کو روکنے کے لیے بہت بہت شکریہ شعیب آپ کا آپ ساتھ موجود تھے اور ناظرین یہ یاد رکھیے گا وہ تمام میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں جو اس طرح کے لوگوں کی پشت پناہی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو غدار وطن کی لسٹ میں ہی کاؤنٹ کریں اگر یہاں آپ کا حساب کتاب نہیں ہوگا تو اوپر جا کے تو ضرور آپ کا حساب کتاب ہوگا کیونکہ آپ غدار وطن ہیں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام